हेलो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री लैंड सेटलमेंट इन दिस चैप्टर, दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट, मुनरो सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम। पिछले टर्म पे मैं ये सब पॉइंट आपको डिस्कस किया था। मैंने बताया था ब्रिटिश ने किस प्रकार इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्यों लैंड सेटलमेंट उन्होंने अपनाया है और उसका रिजल्ट क्या हुआ है, ये पीछे टर्म पे मैंने डिस्कस किया। आगे मैंने पढ़ा है किस प्रकार यूरोप में जो क्रॉप्स की डिमांड है वो चेंज हो रही है। पहले क्या था, वीट राइस का ज़्यादा डिमांड था, लेकिन अब वो चेंज हो गया। अब उनका फोकस हो रहा है कुछ ऐसी चीज़ों में जो यूरोप में जिनकी बहुत डिमांड है, स्पेशली कुछ कैश क्रॉप ट्रीप्स की। नेक्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा डच कलर है वे हिस्ट्री, क्या कलर कोई हिस्ट्री बना सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था इंडिगो के बारे में, इंडिगो का डिस्कस किया था कि वो हिस्ट्री निश्चित तौर पे बनाया है, उसी को लेकर आपका ब्लू रेवोल्यूशन हुआ है, ये हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपका वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, मैंने बताया था क्यों इंडियन इंडिगो की डिमांड यूरोप में ज़्यादा हुई। यूरोप में इंडियन इंडिगो का डिमांड होने का मैंने बताया था रीज़न यही है क्योंकि इंडियन इंडिगो जो है उसको क्वालिटी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी बेहतर होने की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा रही है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ के। निश्चित तौर पे आपके जमैका में, ब्राज़ील में, कैरिबियन आइसलैंड में, बहुत सारी जगहों पर इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, वो भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था, लेकिन उन इंडिगो की उतनी डिमांड नहीं रही है जितनी इंडिया की। क्यों? रीज़न है उसके पीछे क्वालिटी। इंडियन इंडिगो जो है वो प्योर था, उसमें फार्मर्स अच्छे से मेहनत करके उसे प्रोड्यूस करते थे, तो उसको जब मार्केट में लॉन्च करते थे तो डायरेक्ट उसी को लॉन्च करते थे, उसी उसमें किसी प्रकार का मिलावटी वगैरह जैसा था नहीं, तो इसलिए इंडिया का मतलब इंडिगो का ज़्यादा डिमांड था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ठीक है, जब ये बात जाना ब्रिटेन ने कि भाई ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे इंडियन इंडिगो से हो रहा है, तो ब्रिटेन अब क्या करेगा, इंडिया की तरफ फोकस करेगा, क्योंकि उसका मीनिंग तो केवल एक ही है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेना, मैक्सिमम रेवेन्यू लेना। और जब उनको पता चला कि इस इंडिगो की डिमांड यूरोप के और राष्ट्रों में बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में फोर्स किया, लेबर फोर्स किया फार्मर्स को, पीजेंट को, कि भैया आप इंडिगो की खेती करिए, क्योंकि इंडिगो से उनको ज़्यादा फायदा है। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जब यूरोप में इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ी, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। इसलिए कंपनी ने क्या किया, इंडिया के उस रीजन पे ज़्यादा फोकस किया जिस रीजन में मैक्सिमम आपके इंडिगो का प्रोडक्शन हो सकता था और मैक्सिमम फायदा उनको हो सकता था। क्लियर। फ्राम द लास्ट डिकेट ऑफ द 18th century इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। पिछले कुछ समय से देखा गया था कि बंगाल में जो इंडिगो का एक्सपेंशन है, इंडिगो का जो कल्टिवेशन है, वो बहुत बड़े क्षेत्र पे दिया गया। यानी बंगाल में क्या हुआ, इंडिगो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, इसलिए इंडिगो का बंगाल में अच्छा खासा क्षेत्र बनाया गया। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया कि 1788 में 30% हुआ था, लेकिन 1801 तक मतलब 1810 तक लगभग 95% इंडिगो का यहाँ से बाहर भेजा जाता था यूरोप में। पहले कितना था, 30%, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ा है इसकी मात्रा हो गई है 95%। ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था। हाउ द इंडिगो ट्रेड ग्रीव कॉमर्शियल, ये सब पॉइंट डिस्कस किया था। आज मुझे जो लेक्चर लेना है वो लेक्चर लेना है इंडिगो कल्टिवेटेड का, इंडिया में किस प्रकार इंडिगो का कल्टिवेशन हुआ। तो याद रखिए, इंडिया में इंडिगो का जो कल्टिवेशन है वो दो टाइप्स के हैं, दो टाइप के कल्टिवेशन होता है, फर्स्ट वन निज और सेकेंड वन ही रैयती। क्लियर, विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन। अब देखते हैं निज कल्टिवेशन क्या है। तो निज कल्टिवेशन में द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। इसमें क्या होता, जो प्लांटर्स होते थे जो इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे, मतलब इंडिगो को जो रोपाई वगैरह करते थे, वो डायरेक्ट मालिक थे अपने ज़मीन का। ही आइदर बॉट द लैंड और रिटेंड रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाई डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर। ये क्या करते थे, डायरेक्ट उस ज़मीन को जमींदार से या किसी से भी बेच भी सकते थे, और बदले में जमींदार क्या करता था, वहाँ अपने लेबर्स को हायर कर लेता था। यहाँ मैंने एक नोट बनाया है इन दोनों पॉइंट को लेकर, उसमें मैंने डिफरेंस बता दिया है, तो यही आप लिखिएगा। इंडिगो कल्टिवेटेड कितने होते हैं, दो, निज और रैयती। निज क्या है, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंगो, जो प्लांटर होता है जो रोपाई वगैरह करता है, प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही कंट्रोल, जिसपे वो डायरेक्ट अधिकार है। क्लियर, लैंड को क्या करता है, परचेज भी कर सकता है और रेंट पे भी दे सकता है। प्रोडक्शन थ्रू डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर, लेकिन जब उस ज़मीन को वो किसी को बेच देगा, जमींदार को बेच दिया या ब्रिटिशर्स को बेच दिया, तो कहा जाता है वहाँ पर वो लेबर्स को हायर कर देते हैं। जैसे मान लो
कोई ब्रिटेन का वासी है, कोई ब्रिटिश है। ब्रिटिश आया इंडिया में, ब्रिटेन को ये पता चला कि इंडिगो की भाई बड़ी डिमांड है यूरोप में, इंडिगो बहुत डिमांड है। तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम उस लैंड को खोजेगा जहां आराम से इंडिगो को प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा। तो आएगा सीधे जमींदार के पास जाएगा, बोला जमींदार मिस्टर मुझे ये लैंड चाहिए, मैं यहाँ पे भाई इंडिगो की खेती करवाऊंगा। जमींदार ने कहा ठीक है इतने रुपए में मैं आपको दे दूंगा। या बड़े फार्मर के ही पास गया और उसने कहा मुझे आपकी ये ज़मीन चाहिए, मैं इंडिगो का प्रोडक्शन यहाँ कराऊंगा, आप दे दीजिए। फार्मर से जमींदार को इतनी जानकारी है नहीं कि मेरे इंडिगो की इतना ज़्यादा प्राइस है यूरोप में, तो वो क्या करेगा अपनी ज़मीन उस ब्रिटिशर्स को बेच दिया। ब्रिटिशर्स ने उस ज़मीन को ले लिया और उस पर लेबर्स रखे और उस लेबर से क्या करने लगा वहाँ पे इंडिगो का प्रोडक्शन कराने लगा और पूरा फायदा अपने जेब में डालने लगा। ये होता है निज कल्टीवेशन, यानी ब्रिटिशर्स उस ज़मीन के मालिक बन जाएंगे खरीदने के बाद और अपने अकॉर्डिंग वहाँ लेबर्स को हायर करेंगे। ये होता है निज कल्टीवेशन। रैयती कल्टीवेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड बेस सिस्टम ऑफ इंडियन कल्टीवेशन कल्टीवेटर व्हेन द प्लांटर्स फोर्स टू रैयत टू वर्क ऑन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स होता है या जो भी आपका जमींदार बड़ा जमींदार होता है वो क्या करता है, कल्टीवेटर से एक प्रकार का एग्रीमेंट कराता है ज़बरदस्ती। भाई ज़मीन मुझे चाहिए, वो कह रहे नहीं मैं ज़मीन नहीं दे पाऊँगा, तो ज़बरदस्ती उससे एग्रीमेंट कराते हैं, नहीं आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो कहा जाता है उसके ऊपर तमाम प्रकार के अपराध का, तमाम प्रकार के अलग अलग केसेस उसके ऊपर थोप देता था। तो मजबूरी में बेचारे रैयतों को क्या करना पड़ता था, उनसे एग्रीमेंट करना पड़ता था, और जब आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वो ज़बरदस्ती फोर्सली आपसे काम कराते थे। ठीक है, यानी एग्रीमेंट करा लिया, उसके बाद लेबर्स रख लिया, ज़बरदस्ती काम कराया। उस जमींदार ने कहा भैया मुझे टैक्स दीजिए, तो उसको बहुत कम मात्रा में टैक्स देते थे और ब्रिटिशर्स सारा टैक्स अपने पास रखते थे। लैंड पीजेंट के नाम, कैपिटल पार्टनर यानी उस ब्रिटिशर्स के नाम, बहुत चालाक थे। देखो लैंड किसके पास है, पीजेंट के पास है, लेकिन एग्रीमेंट करा लिया तो सारा कैपिटल सारा पैसा किसके पास पहुंचा, पार्टनर के पास पहुंचा, क्योंकि आपको उसने एज ए रेंट आपको पैसा वो दे रहा है। क्लियर, नहीं समझे, जैसे कोई ब्रिटिशर्स आया ज़मीन खरीद लिया, ज़मीन भैया क्या रेट, 5 रुपये का मैं ये ज़मीन दूंगा। चलो ठीक है, याद रखना करो 20 साल का एग्रीमेंट, 5 ही रुपये में ज़मीन का रेट नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, 25 साल तो बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं। उसने कहा करिए नहीं तो मैं आपकी ज़मीन को केस में फंसा दूंगा। वो बेचारा मजबूरी में 20 साल का एग्रीमेंट किया 5 रुपये में। अब 20 साल उसे 5 ही रुपया अंग्रेज देगा, लेकिन वो 20 सालों में वो इंडिगो की इतनी खेती करवा के उसका फ़ायदा ले लेगा जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। यही होता है रैयती सिस्टम, ये होता है निज सिस्टम। यही दोनों पॉइंट है, आपके बुक में बहुत शॉर्ट कट दिया है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने नोट में, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। भैया अब प्रॉब्लम क्या आ गई, निज कल्टीवेशन निश्चित तो में प्रॉब्लम तो आना ही आना है, क्योंकि आपने भाई क्या किया, उनकी ज़मीन को खरीद लिया, उनकी ज़मीन को खरीदने के बाद लेबर्स को आपने रखा तो ज़रूर, लेकिन लेबर्स को आप हायर करके रख रहे हैं, बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, तो कब तक ये सिस्टम असर करेगा, निश्चित तौर पर प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। क्लियर, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। अब प्लांटर्स को क्या लग रहा है, भाई मैंने क्या बताया था, इंडिगो कहीं भी प्रोड्यूस हुआ, मान लो किसी ज़मीन में इंडिगो का प्रोडक्शन किया गया, तो वो ज़मीन लैंड जो है वो बैरन हो जाती है कुछ सालों के लिए, क्या जाती है बैरन हो जाती है। तो आप जाएंगे किसी और एरिया में ज़मीन लेंगे, वहाँ करेंगे, वहाँ की भी ज़मीन ख़राब। तो क्या हो रहा है निज सिस्टम में, प्लांटर्स के लिए मुश्किल हो रहा है कि तमाम मुझे लैंड मिल सके निज कल्टीवेशन में, क्योंकि जहां आप इंडिगो का प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां की ज़मीन क्या हो रही है, ख़राब हो जा रही है, बैरन हो जा रही है, तो आप तो वहां खेती कर नहीं पाएंगे। अब खेती करने के लिए मुझे चाहिए और ज़मीन, इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। सबसे बड़ी बात, इंडिगो का प्रोडक्शन केवल और केवल फर्टाइल लैंड पे ही हो सकता है और कहीं नहीं, और जहां ये प्रोड्यूस हुआ क्या करेगा, वहां की ज़मीन को ये बंजर कर देगा। एंड दीज वेयर आल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। इस और आप जानते ही होंगे भाई, अगर फर्टाइल लैंड कहीं पे है तो वहाँ पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो रही है, आप उस पॉपुलेशन को उसकी ज़मीन से उसकी जगह से हटाओगे तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसीलिए निज कल्टीवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई कि आपके पास ज़मीन नहीं बचा, ज़मीन आप फर्टाइल लैंड खोज रहे हो तो आपको पता चल रहा है फर्टाइल लैंड पे अच्छे खासे लोग बसे हुए हैं, और उन लोगों को उस ज़मीन से हटा पाना इतना आसान नहीं है। क्लियर, ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप
कुड बी एक्वायर, केवल छोटे छोटे क्षेत्र वो पा रहे हैं, छोटे छोटे लैंड पा रहे हैं। तो आप छोटे छोटे लैंड फाइंड करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा लैंड आप यहाँ खेती कराओगे तो पता चलेगा दूसरा लैंड उतनी दूर है वहाँ जाके खेती कराओगे, पता तीसरा लैंड उतनी दूर है वहाँ जाके खेती कराओगे, तब तो आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ जाएगा लेबर्स को हर एक जगह पे। लैंड कम है, अच्छा खासा वो उसी में काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन कहीं और जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसका भी वो अच्छा खासा पैसा लेंगे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। अब प्लांटर्स को चाहिए एक बहुत बड़ा एरिया जहां वो एक साथ इंडिगो का प्लांटेशन कर पाए। आप छोटा छोटा लैंड उन्हें देकर प्लांटेशन नहीं करा पाएंगे, उनको चाहिए एक बहुत बड़ा एरिया जहां वो अच्छा खासा लैंड इंडिगो का प्रोडक्शन कर सके। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फॉर्म, क्या वो ऐसा लैंड प्राप्त कर सकते हैं? दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, साथ ही साथ वो चाहते हैं जो ज़मीन भी मिले वहाँ से इंडिगो फैक्ट्री बहुत करीब हो। क्यों? क्योंकि अगर लैंड आपका दूर मिला तो आप वहाँ अच्छा खासा निश्चित तौर पर इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर उसको ढोकर उस फैक्ट्री तक ले आना ये भी तो बहुत मुश्किल काम है। उस समय गाड़ी वगैरह तो है नहीं, कितनी गाड़ी डेवलप है कि चलो ये लाद के ले आओ, ट्रक वगैरह तो है नहीं, आपका है क्या है बुलक कार्ट है या छोटे ऐसे गाड़ियां हैं जिन पे आपको लाद के उस इंडिगो को ले आना होगा उस फैक्ट्री के पास। तो वो चाहते हैं कि भाई ज़मीन में ऐसी जगह लूँ जो मुझे क्या फैक्ट्री के करीब हो। एंड इविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया बट ही दिस ऑलवेज लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसलिए प्लांटर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई। प्लांटर्स का कहना था भाई मुझे छोटी छोटी ज़मीन मत दीजिए, मुझे अच्छी खासी लैंड दीजिए जहां मैं आराम से इंडिगो का प्लांटेशन कर सकूं। पहली बात, मेरी जो ज़मीन हो वहां से इंडिगो फैक्ट्री करीब होनी चाहिए। दूसरी बात, जिसे मैं आराम से वहां पहुंचा सकूं, क्योंकि जितना मुझे वहां पहुंचाने में जितना ट्रेवल करना होगा या जितना समय लगेगा, या आप मुझे उसका पैसा दीजिए, और पैसा नहीं दे सकते हैं तो ज़मीन मुझे आप वहीं दीजिए जिस ज़मीन पर मैं आराम से पहुँचा सकूँ आपके इंडिगो को। क्लियर। तीसरी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ जो बसे हुए हैं इंसान है फार्मर्स को, उन्हें आप हटाएंगे वहाँ कैसे, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है निज कल्टीवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, तीन पॉइंट हो गया इसमें। नार वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, किसी भी को मोबिलाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड वेज मेंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट एंड लेबर्स वाज नीडेड पीसली एट टाइम व्हेन पीजेंट वेयर यूजली बिजी विद देयर अराइज कल्टीवेशन। दूसरी बात, इंडिगो को कल्टीवेशन के लिए आपको चाहिए अच्छे खासे लेबर्स, आप कुछ लेबर्स में वो काम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको अच्छे खासे लेबर चाहिए। क्लियर। और लेबर उस समय क्या है जब आपके इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा है, उस समय लेबर्स क्या है, कहीं ना कहीं बिजी हैं, वो राइस कल्टीवेशन में बिजी हैं, तो आपको उतने लेबर्स नहीं मिल पा रहे हैं जिससे आराम से आप इंडिगो का कल्टीवेशन कर सके। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चार प्रॉब्लम आपने देख लिया। पहली प्रॉब्लम की बात करूं तो वो क्या है, लैंड छोटे लैंड एक बड़े फॉर्म में होना चाहिए, बहुत बड़ा लैंड होना चाहिए। दूसरा, लैंड फैक्ट्री के करीब होना चाहिए। तीसरा, जो पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है उसको वहाँ से निश्चित तौर पे कुछ उम्मीदें कुछ भरोसा देके ही हटा सकते हैं, आप उन्हें ज़बरदस्ती फोर्सली नहीं हटा सकते। फोर्थ वन क्या है, आपको इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए अच्छी खासी पॉपुलेशन चाहिए, और वो पॉपुलेशन क्या है, जब आप इंडिगो का कल्टीवेशन करते हैं उस समय वो पॉपुलेशन अपने राइस कल्टीवेशन में व्यस्त है, बिजी है, तो आप इतने आसानी से इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है निज कल्टीवेशन में। इसका भी मैंने शॉर्ट फॉर्म एक बना दिया है प्रॉब्लम को, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम, लैक ऑफ द फर्टाइल लैंड, पहले वो फर्टाइल लैंड का बहुत कम मात्रा में है। ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, स्पेशली उन एरियाज़ में निश्चित तौर पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा जहाँ फर्टाइल लैंड होगा, तो वो फाइंड कर पाना निश्चित तौर पे एक बहुत मुश्किल भरा काम है। सेकेंड वन, कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड को जो आप ले लिए हैं उनसे खरीद लिए हैं, उस लैंड को लेकर भी उनके मन में कहीं ना कहीं टेंशन है कि आपने इतना इतना मतलब कम रेट में मेरा लिया है और आप मुझे से उस पर लेबरिंग कराते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सेकेंड वन, मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर वॉज नॉट ईजी, किसी को मोबिलाइज कर पाना इतना आसान नहीं है। रिक्वायरमेंट टू लेबर टू ऑपरेट, स्पेशली आपको बहुत सारे लेबर चाहिए इंडिगो के कल्टिवेशन में, यूजली रिक्वायर कम्स व्हेन द पीजेंट बिजी विद देयर क्लाइंट कल्टिवेशन।
निश्चित तौर पे आपको लेबर्स या पीजेंट या फार्मर्स मिल तो जाएंगे, वो तो मिलना ही है क्योंकि इंडिया में तो इनकी कमी ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो उस समय किस में राइस कल्टीवेशन में बिजी हैं और वो अपने राइस कल्टीवेशन को छोड़कर आपके पास आपके कल्टीवेशन को करने के लिए नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो ब्रिटिशर्स के लिए कहा जाए या फिर वो प्लांटर्स के लिए कहा जाए। निज कल्टीवेशन एंड ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउ एंड बुलक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, मैंने प्रॉब्लम को पॉइंट वाइज लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ निज कल्टीवेशन में, पहला प्रॉब्लम तो यही है भैया कि मुझे फर्टाइल लैंड चाहिए और फर्टाइल लैंड में बहुत पॉपुलेशन है जिन्हें हटा पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, मुझे वहीं पे मुझे ऐसी जगह लैंड चाहिए जिस लैंड जो है वो फैक्ट्री के क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि आप जो लैंड ले रहे हैं, ठीक है, जो लैंड ले रहे हैं वो छोटा छोटा ले रहे हैं, जबकि मुझे लैंड क्या चाहिए, एक बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, एक बहुत बड़ा लैंड चाहिए, क्लियर। फोर्थ प्रॉब्लम ये हो रही है कि किसी भी इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए अच्छा खासा पॉपुलेशन चाहिए, किसी छोटे पॉपुलेशन से वो काम नहीं चलेगा। निज कल्टीवेशन एंड लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउ एंड ब्लस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ अगर प्रॉब्लम मैं कहूँ तो जो इंडिगो का कल्टीवेशन है उस कल्टीवेशन को करने के लिए बहुत सारे प्लाउ होने चाहिए और बहुत सारे बुलक्स होने चाहिए, क्लियर। आप उनसे जुताई करवाएंगे, प्लाउ से उसकी जुताई करवाएंगे तो उसको बहुत बड़ी मात्रा में प्लाउ और बुलक्स आपको चाहिए। 1 बीघा आप इंडो कल्टीवेशन, अगर 1 बीघे की मैं बात करूँ कल्टीवेशन के, तो उसमें कम से कम 2 प्लाउ चाहिए। कितने प्लाउ चाहिए 1 बीघे कल्टीवेशन में? 2। दिस मीन दैट ए प्लांटर विथ 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लाउ। यानी अगर 1 बीघा आपका पूरा इंडिगो है तो आपको कम से कम 2000 प्लाउ चाहिए। अब बीघा क्या होता है? ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड माप करने का एक ये यूनिट है बीघा। जैसे हम मापते हैं ना डिस्टेंस, जैसे मापते हैं मीटर किलोमीटर वगैरह में, वैसे ही लैंड को जो मेजरमेंट करते हैं वो हम बीघा के तौर पर करते हैं। बिफोर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले द साइज ऑफ द एरिया वेरीड इन बंगाल एंड ब्रिटिश सेटलाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ ए एकर। ब्रिटिश रूल क्या करता था, जितना भी जमीन होता था उस पर 1/3 वो ब्रिटिश जो कहता था उसकी खेती उन्हें करनी पड़ती थी। पहले ये रूल था, लेकिन बाद में ब्रिटिश जब आए उसके बाद बीघा सिस्टम आ गया, तो इनका कहना था भैया इतने बीघे पे आप ये खेती करिए, इतने बीघे पे ये खेती करिए। तो वो बीघा क्या है, एक प्रकार का मेजरमेंट ऑफ लैंड का एक यूनिट है, सिंपल। तो 1000 बीघे पे अगर इंडिगो कल्टीवेशन करना है तो इस 1000 बीघे के इंडिगो कल्टीवेशन में कम से कम 2000 लेबर्स का होना जरूरी है, क्लियर। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ वाज ए बिग प्रॉब्लम। दूसरी बात, जो प्लाउ हैं, जो बुलक्स हैं, उनको मेंटेन, उनका मेंटेनेंस किए रहना, उनको खरीदना इतना आसान नहीं था। अच्छे खासे वो मांगे थे प्लाउ, तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगता था प्लाउ को मेंटेन किए रहने में, उसको खरीदने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उनको खरीदने वगैरह में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा वो लिख लीजिएगा, निज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लाउ एंड बुलक्स एंड दैट टाइम द परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ वाज ए बिग प्रॉब्लम। नार कुड सप्लाई बी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लाउ एंड बुलक्स वेयर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। दूसरी बात, फार्मर्स के पास, पीजेंट के पास ये जरूर होते थे, लेकिन मैंने कहा जिसमें आपके इंडिगो का कल्टीवेशन होता था उसी समय आपके राइस का भी कल्टीवेशन होता था। तो जो फार्मर्स के बुलक्स थे, जो प्लाउ थे, वो क्या है, राइस कल्टीवेशन में व्यस्त हैं, राइस कल्टीवेशन में बिजी हैं, तो वो अपने बुलक्स और प्लाउ को नहीं देते थे कि आप इंडिगो का कल्टीवेशन कीजिए। ब्रिटिश के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब आप अपने प्लाउ और बुलक्स नहीं देंगे तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उन्हें खरीदना पड़ेगा। जब उन्हें खरीदना पड़ेगा तो अच्छा खासा पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा इन सब चीज़ों में, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि उनको खरीद तो आप लेंगे ही प्लाउ को निश्चित तौर पर, लेकिन प्लाउ को फिर मेंटेनेंस रखना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, क्लियर। और फार्मर से ये मांगने के, तो फार्मर्स ने कहा भैया हम नहीं दे पाएंगे, हमारा राइस कल्टीवेशन चल रहा है, एकदम बिजी हैं, एकदम एक सेकंड के लिए नहीं दे सकते। तो वो इस प्रकार इनकार करते थे और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी प्लांटर्स के सामने भी और ब्रिटिशर्स के सामने भी। टिल द लेट 19th century, हम बात करते हैं 19th century की, प्लांटर्स वेयर देयर फॉर रिलोकेटेंट
टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। ठीक है, अब प्लांटर्स 19th सेंचुरी में क्या किए, जो इंडिगो का एरिया है यानी निज कल्टिवेशन के एरिया को इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड किया। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। 25% अब आपको अपने पूरे लैंड का 25% में इंडिगो की खेती करनी ही करनी है, चाहे आप वो जैसे कीजिए। ये कहना था ब्रिटिशर्स का, ये कहना था प्लांटर्स का कि करना ही पड़ेगा निज कल्टिवेशन में। भाई जो ज़मीन हमने खरीदी है आपसे, उस ज़मीन पे लेबर तुम्हें 25% पे नील का यानी इंडिगो का प्रोडक्शन करना ही करना है, चाहे जैसे कीजिए। क्लियर। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन इन रैतिसम। बाकी और जो ज़मीन आपके पास बचती है उसमें आप अल्टरनेट कीजिए, कभी राइस कीजिए कभी वीट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 25% लैंड पे ये होना ही चाहिए। क्लियर। 19th सेंचुरी में तो ये हुआ, लेकिन 20th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में तो आपको पता होना चाहिए बिहार हुआ सबसे बड़ा रीजन इंडिगो का। 20th सेंचुरी में बिहार ही बना था, बिहार में बहुत ज़्यादा इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए इंडिगो के प्रोडक्शन में बिहार में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये 1/3 रीजन पे इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाता था। 1/3 रीजन यानी आपकी जितनी ज़मीन है उसके 1/3 पे आपको इंडिगो का प्रोडक्शन करना ही करना है, चाहे जैसे आप कीजिए। उसी को लेके चंपारण में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था ना, महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, वही इंडिया में महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट है, उसी को लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह, कुछ लोग कहते हैं चंपारण मूवमेंट। वो इंडिगो को लेकर ही किया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1/3 पे आपको करना ही करना है, तो पता चला ये लैंड है फार्मर के पास, 1/3 कर दिया भाई, लैंड तो ख़राब बैरन, फिर अगली बारी यहाँ की, मतलब 2 साल बाद उस एरिया में यानी चंपारण में खेती के लिए ज़मीन ही नहीं बचती थी। क्यों? क्योंकि इंडिगो पूरे लैंड को ही बैरन कर देता था। क्लियर। तो ये बहुत बड़ी परेशानी रही चंपारण में। बाद में चंपारण से एक इंसान आके महात्मा गांधी से मिला है, सारी परेशानी बताई है। तो महात्मा गांधी उस इंसान राजकुमार शुक्ल है वो इंसान, तो राजकुमार शुक्ल के साथ गए थे चंपारण, वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था। याद रखिए चंपारण मूवमेंट ही महात्मा गांधी का इंडिया में किया पहला मूवमेंट है, और चंपारण ही मूवमेंट है जिसने नॉन वायलेंस के जरिए सक्सेस हो गया है, यानी उसमें वायलेंस नहीं हुआ है, नॉन वायलेंस के जरिए महात्मा गांधी की ये बहुत बड़ी जीत रही है जो चंपारण में उन्होंने किया है 1917 में 1917 में। क्लियर। वो जो रेवोल्यूशन हुआ था वो इसी इंडिगो को लेकर ही हुआ था। अभी आगे एक और इंडिगो का रेवोल्यूशन होगा, आगे मैं डिस्कस करूँगा, उसी को हम लोग को ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर। तो ये तो रहा निज कल्टीवेशन, ये रहा पॉइंट निज कल्टीवेशन का, और ये निज कल्टीवेशन के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो निज कल्टीवेशन में आपके सामने आ रहे थे। प्रॉब्लम्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है, लैक ऑफ द फर्टाइल लैंड, पहला तो ये फर्टाइल लैंड काफ़ी कम हो गया था, ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन एक्विजिशन ऑफ लैंड, दूसरा पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स वॉज नॉट ईजी, इसमें पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट टू लेबर टू ऑपरेट, सेकेंड पॉइंट है यूजली रिक्वायरमेंट कम्स वेन द पीजेंट बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन। या आप यहाँ से भी जो मैंने 5 पॉइंट बताया है वो भी आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर। तो ये तो बात रही आपके निज कल्टीवेशन की, और ये बात रही निज कल्टीवेशन में होने वाले प्रॉब्लम्स की। आइए बात करते हैं आपके दूसरे सिस्टम की, यानी रैती कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ, रैती कल्टीवेशन क्या था वो जानते हैं। तो रैती कल्टीवेशन मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या होता है, जो प्लांटर्स होते हैं उनसे ब्रिटिश फोर्सली एग्रीमेंट कराते हैं एक प्रकार का, और उस एग्रीमेंट के जरिए वो जितना पॉइंट चाहेंगे, जितना रेंट देना चाहेंगे उतना रेंट देंगे, और बदले में सारा प्रॉफिट अपने लेंगे। इसलिए मैंने लिखवा दिया था लैंड इज इक्वल टू पीजेंट, यानी लैंड किसके नाम रहेगा, पीजेंट के, लेकिन कैपिटल किसके नाम आएगा, वो पार्टनर यानी ब्रिटिशर्स के। क्लियर। तो देखते हैं इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैतीस, ये पॉइंट देखते हैं। अंडर द रैती सिस्टम, रैती सिस्टम के अंडर द प्लांटर्स फोर्स्ड रैयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। ठीक, क्या हुआ, रैयती सिस्टम के अंतर्गत प्लांटर्स फोर्स द रैयत,
जो प्लांटर्स थे यानी सिंपली जो जमींदार थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, उन प्लांटर्स भी जमींदार समझिएगा जो प्लांट वगैरह का सब कुछ प्रोड्यूस कराता है। प्लांटर्स क्या हुआ, वो एग्रीमेंट कर लिए ब्रिटिशर से और उस एग्रीमेंट के जरिए इन्होंने फोर्सली हर एक रैयत से उसकी ज़मीन का एग्रीमेंट करवाया। वही बोल रहा है, तो ज़मीन तो रैयत की है लेकिन उसको लिया है प्लांटर्स ने और प्लांटर्स ने ज़बरदस्ती रैयतों से एग्रीमेंट करवाया है। ज़मींदारों ने ज़बरदस्ती कराया कि भैया आपको एग्रीमेंट करना ही होगा किसी भी कीमत पे। तो लिख सकते हैं अंडर द रैयती सिस्टम, यही पूरा पॉइंट लिख लीजिए, द प्लांटर्स फोर्स द रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या बोलते थे, सत्ता। हो गया, कोई क्वेश्चन हो निज सिस्टम में तो पूछ लीजिए। निज कल्टीवेशन में इंडिगो कल्टीवेटर जो प्रॉब्लम वो था, निज कल्टीवेशन जो मैंने समझाया, रेती समझाया, निज कल्टीवेशन में जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा था उसको कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फोर पॉइंट भी लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर पॉइंट में वही सब लिख लो जो मैंने बताया था, फाइव पॉइंट लिख लीजिएगा और कोई बात नहीं। तो रेती सिस्टम का ये है एग्रीमेंट, एट टाइम्स दे प्रेसराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो विलेज हेडमैन है उसको ज़बरदस्ती साइन करवाना पड़ा था अपने रैयतों से। रैयत से उन्होंने बात किया हेडमैन ने और रैयत से कहा भैया साइन कर लो, साइन नहीं करोगे तो पता चलेगा सारी ज़मीन खींच लेगा, ऐसे तो कम से कम आधी ज़मीन तुम्हारी है, आधे पे उनकी वाली करो, आधी तो अपने करो। और हेडमैन के कहने पर रैयतों ने ऐसा किया, लेकिन बहुत मुश्किल था इस तरह से लाइफ को एक्सपेंड कर पाना, लेकिन मजबूरी थी, करना ही पड़ा उनको। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस, जिन्होंने साइन किया उन्हें क्या हुआ, कैश मिला फ्रॉम द प्लांटर्स, प्लांटर के थ्रू एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। लेकिन इंडिगो के प्रोडक्शन पे उनको जो इंटरेस्ट मिलना था वो इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता था। जैसे प्लांटर्स आए, जमींदार आए, उन्होंने इस ज़मीन को कहा भैया ये ज़मीन मुझे दे दीजिए, एग्रीमेंट कीजिए आप। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया मैं एग्रीमेंट नहीं करूँगा। बोला एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा आपको, मैं बता रहा हूँ एग्रीमेंट आप कर लीजिए तो मैं पैसा पूरा आपको कैश दे दूँगा, साथ ही मैं यहाँ जो अनाज का प्रोडक्शन करूँगा उसमें भी मैं आपको इंटरेस्ट दूँगा यानी पैसा दूँगा। रैयत बेचारे उतने जानते नहीं हैं, कहाँ पढ़े लिखे उस समय थे, उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे जो फसल प्रोड्यूस करेंगे उसमें भी पैसा देंगे। इन्होंने कहा एकदम पैसा दूँगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। रैयत समझ नहीं पाए, रैयतों ने कहा चलिए ठीक है तो एग्रीमेंट कीजिए। अब बाई चांस जो समझ रहे थे उन्हें ज़बरदस्ती साइन करवाना पड़ा क्योंकि हेडमैन ने कहा, उन्होंने साइन कर लिया, पता चला चलिए ठीक है कितने में आप खरीद लिया, इतने में खरीद लिया। उसके बाद आपने वहाँ इंडिगो का कल्टीवेशन कराना शुरू कर दिया, इंडिगो प्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। रैयत ने कहा आप दीजिए मुझे पैसा, तो उनको जो इंटरेस्ट था वो बहुत कम देते थे। उन्होंने कहा भैया आप तो इतना कम दे रहे हैं मुझे, इन्होंने कहा ये थोड़ी ही बात हुई थी कितना दूंगा, बस इतनी बात हुई थी कि आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो जितना मैं दे रहा हूँ उतना आप लीजिए क्योंकि ज़मीन तो हमारी है, आपने तो एग्रीमेंट की रखा है ज़मीन मुझे दे दी है, तो जितना मैं दे रहा हूँ उतना आप लीजिए, नहीं तो इतना भी आपको मैं दूंगा नहीं। यानी आपने उस फार्मर से एक प्रकार का चीट किया, उनकी ज़मीन ली है सस्ते दामों में और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम दे रहे हैं। तो वही बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द, लेकिन लो आप इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्ट कम देते, बट द लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टीवेटिंग इंडो एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर इज होल्डिंग। लेकिन जो आपको खेती करनी है वो पूरे ज़मीन में 25% तो आपको इंडिगो की ही खेती करनी है, उसको होल्ड किए रहना, उसमें केवल इंडिगो की खेती होती है, इसके अलावा आपको और कोई खेती करने का अधिकार नहीं है। क्लियर, 25% पे द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड, प्लांटर्स ही आपको सीड भी देते थे, ड्रिलिंग भी देते थे, कल्टीवेटर्स भी देते थे, सॉयल भी ज़मीन करते थे, सोड भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसको उतना पैसा उसमें उनका नहीं लगता था जिससे कई हज़ार गुना उन्हें उनका फ़ायदा होता था। यानी इंडिगो को प्रोड्यूस कराने में अगर मान लो 5 रुपया लग रहा हो तो उसको प्रॉफिट के रूप में उन्हें कम से कम 50 रुपये 100 रुपये मिलते थे, यानी 10 टाइम्स 20 टाइम्स प्रॉफिट मिलता था उन प्लांटर्स को। इसीलिए वो सब कुछ उनका सीड हुआ सॉयल हुआ सब कुछ वही करते थे, लेकिन उसमें भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, बहुत कम पैसा लगता था। जितना फ़ायदा इन्होंने इंडिगो को बेचकर कमाया है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मर्स को बहुत कम देना है, सब कुछ उनमें बहुत कम देते थे। आप देखिए एक पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर के नीचे लिखा है
वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिको इन अर्ली 19th century के समय इसे हार्वेस्ट किया जा रहा है, इंडिको काटा जा रहा है बंगाल में फ्रॉम कोलेश्वरदी ग्रांट रूरल लाइफ इन बंगाल। इस जगह का नाम है बंगाल में 1860 में काटा जा रहा है। इन इंडिया द इंडिको प्लांट वॉज कट मोस्टली बाई मैन, ये बात याद रखिएगा, जो इंडिको काटे जाते थे यहाँ इंडिया में उसको मैक्सिमम कल्टिवेटेड करने वाले कौन थे, मेंस थे। वुमेंस को नहीं इसमें लगाया जाता था, मेंस ही इसको काटते थे क्योंकि ऐसा माना जाता था मेंस का जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है वुमेंस से। ये ब्रिटिशर्स मानते थे, अभी उनकी सोच है, वो ऐसा मानते थे कि जितना महिलाएँ पता चले एक दिन में इतना काट पाएंगी उतना मेंस जो होगा वो एक दिन में उसे डबल कर लेगा, तो बेहतर है वुमेंस को इस काम में ना लगाया जाए बल्कि मेंस को ही लगाया जाए क्योंकि मुझे तो केवल फ़ायदा लेना है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, मेंस को इस कल्टीवेटेड फॉर्म में लगाते थे और अच्छा खासा वो पूरा कल्टिवेशन उससे कराते थे, वुमेंस को कम कल्टिवेटेड करते थे, सैलरी उतनी ही देनी पड़ती थी। तो इन्होंने वुमेंस को इग्नोर कर दिया और केवल मेंस को दिया कि आप ही कल्टिवेशन कीजिए आप इंडिगो का, क्लियर। तो आप देख सकते हैं हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस, कैसे इंडिगो का प्रोडक्शन होता है, ये पिक्चर बनाया गया है, अपने बुक में पढ़ भी सकते हैं। एंड इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863 का बनाया गया ये पेंटिंग है कि देखो इंडिगो का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहीं उसकी फैक्ट्री है, यानी आराम से जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं फैक्ट्री भी, तुरंत अपना नील वहाँ बनाना शुरू हो जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं ये पॉइंट, द इंडिगो विलेज वगैरह, ठीक है, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वुमेन्स यूजली कैरी द इंडिगो प्लांट टू द वेट्स, ठीक है, वुमेन इस यही काम करती थी इंडिगो को लेकर, बाकी सारे काम मैन ही करते थे। ए फर्मेंटिंग आर स्टोरेज वेजल्स, देख सकते हैं ये इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल, ये इंडिगो तैयार कर लिया बेचने के लिए। तो ये पिक्चर्स को आप पढ़ लीजिए, पिक्चर्स देख लीजिए और इसको आप पढ़ के समझ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियर। तो आइए और देखते हैं रेती सिस्टम के आगे। When the crop was delivered to the planter after the harvest, जब आप हार्वेस्ट करने के बाद उस प्लांट को, हार्वेस्ट करने के बाद प्लांट जब आप उस प्लांटर्स को देते थे, यानी इंडिगो जब आप उस प्लांटर्स को दे देते थे, ए न्यू लोन वॉज गिवन टू द रैयत, तो उन्हें एक नए प्रकार का लोन दिया जाता था। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और यही बार बार किया जाता था, जैसे इंडिगो का प्रोडक्शन हो गया, उसको क्या किया रैयतों ने काट लिया, कल्टीवेट कर लिया, कल्टीवेट करने के बाद उसको फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में उसे प्रोड्यूस किया, नील बन गया और सारा नील ले जाके उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया। जब सारे नील्स अंग्रेज़ों के पास पहुँचे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, नील्स को रख लिया, बदले में फार्मर्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना था वो दे दिया, 5 रुपया 10 रुपया जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे दिया। उसके बाद उनको एक्स्ट्रा पैसा देते, मतलब फिर पैसा देते थे कि लीजिए ये पैसा और जाइए दूसरी ज़मीन पर आप इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, यानी जो बीच में गैपिंग है वो गैपिंग नहीं करते थे, इनसे लगातार इंडिगो का इंडिगो का प्रोडक्शन कराते ही कराते थे, यानी इंडिगो के प्रोडक्शन और कल्टीवेशन में ज़्यादा ये गैप नहीं रखते थे, यानी एक इंडिगो तैयार होके आ गया तो दूसरे इंडिगो की आप तैयारी कीजिए, ये लीजिए पैसा और जाइए शुरू हो जाइए। याद रखिए मुझे हर हाल में इंडिगो चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए, ठीक है। तो अगला लोन तुरंत देते थे, उसमें गैपिंग नहीं करते थे और साथ ही साथ ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको देते थे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा मैंने कहा बहुत ही कम था, निश्चित तौर पे बहुत ही कम रहा है, क्लियर। आगे पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्ट बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वाज, अब उनको पता चल गया कि इस इंडिगो के कल्टीवेशन में, इस इंडिगो के प्रोडक्शन में उनकी कितनी ताकत को ख़त्म किया जा रहा है, उनके पावर का कितना यूज़ किया जा रहा है। इतना तो शायद अगर वो अपने लैंड पे, अपनी ज़मीन पे करते तो निश्चित तौर पे उन पे क्या प्रोडक्शन कर लेते वो राइस और वीट का। ये बात रैयत जान गए कि ब्रिटेन हमसे बहुत फ़ायदा ले रहा है हमारे पावर का। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, क्लियर। बदले में जो उन्हें रेट अपने इंटरेस्ट दिया जा रहा था वो बहुत ही कम दिया जा रहा था, क्लियर। और जो साइकिल ऑफ लोन्स है नेवर एंडेड, ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक हो गया, आइए आप प्रोड्यूस कीजिए इंडिगो का, कल्टीवेट करिए, कल्टीवेट करके आप उन्हें पहुंचाइए, पता चला अभी पहुंचा ही रहे हो कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ फिर अगला लोन भी आपको दे देगा कि ये लीजिए भैया जाइए आप फिर से शुरू कीजिए इंडिगो का प्रोडक्शन। अब यहाँ बात आ रही है लोन की, तो देखिए लोन मीन्स क्या होता है, ये लोन मीन्स ये समझना, ऋण मत देना, मतलब लोन मीन्स क्या होता है, जैसे
मैंने आपको 5 रुपया दिया है कि जाइए, 5 रुपये में आपको ये काम करना है। आपने 5 रुपया ले लिया और 5 रुपये में जाके आप काम करने लगे, पता चला आपको इमरजेंसी आ गई और आपने क्या किया, 2 रुपया खर्च कर दिया कहीं पे। इमरजेंसी आ गई तो 2 रुपया खर्च कर दिया। इन्होंने कहा 2 रुपया आपने खर्च किया तो 2 रुपया आप अपने पास से लगाइए। आप 2 रुपया अगर मुझसे मांगने आ रहे हैं तो वो लोन एक तरह का होगा और वो काट लिया जाएगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप वैसे ही कम दे रहे हो, लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही है, तो क्या कर रहे हैं, जो आप अगला पैसा दे रहे हैं उसी में से कुछ लोग उसका यूज़ कर ले रहे हैं और वो उनके लोन में ऐड हो रहा है और वो लोन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यही है कि आगे जाके यही आपके रैयत उन प्लांटर्स के स्लेव यानी गुलाम बनने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो वही बात की गई है आपके इस पॉइंट में, बात की गई है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया कि कैसे इंडिगो का कल्टीवेशन होता है, आपने जान लिया। 2 सिस्टम है उसके, निज और रैयती। निज में क्या प्रॉब्लम आई वो आपने देख लिया, रैयती में क्या प्रॉब्लम हो रही उसे आपने देख लिया। और ये प्रॉब्लम निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी। तो आइए हम जानते हैं उस रेवोल्यूशन को, उस रेवोल्यूशन को, इसी को हम कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस रेवोल्यूशन जो हुआ इसमें कहीं ना कहीं सेंटर पे इंडिगो था और इंडिगो होता है ब्लू कलर का, इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। क्लियर? इन मार्च 1859 में थाउजेंड ऑफ रैयत्स इन बंगाल रिफ्यूज्ड ग्रो इंडिगो। लगभग हजारों रैयतों ने बोला कि भैया हम बंगाल में अब नील की खेती नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम नील की खेती नहीं करेंगे। रेट आप इंटरेस्ट आप कम दे रहे हो, रेस्ट करने को मिल ही नहीं रहा है कि आप अगला लोन दे रहे हो, हम अपने और ग्रेन्स पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, लगातार हम आप ही के नील नील की खेती कर रहे हैं, तो भैया अब हम किसी प्रकार की कोई नील की खेती नहीं कर पाएंगे। एज द रेवोल्यूशन स्प्रेड, और ये रेवोल्यूशन एक जगह शुरू किया हुआ, ये फैला है पूरे इंडिया में, क्योंकि हर एक जगह पर इंडिगो का प्रोडक्शन और कल्टीवेटेड करने वाला रैयत दुखी है बेचारा, बस उसे चाहिए एक चिंगारी, और निश्चित तौर पे वो चिंगारी जली है आपके बंगाल में और आग की तरह फैली है पूरे भारत में। रैयत्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द पार्टनर, हम आपसे कोई रेंट नहीं लेंगे, कुछ प्रकार का नहीं, जो रेंट दे दे के आप मेरी ज़मीन खरीदे हो भैया कोई रेंट नहीं। एंड अटैक्ड इंडो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सॉर्ड एंड स्पीयर्स, और उन्होंने क्या किया, जितनी भी इंडिगो फैक्ट्री थी उस पर क्या करना, अटैक करना शुरू कर दिया, कैसे, सॉर्ड और स्पीयर्स से। तो उन्होंने कहा ऐसा है, जो आप रेंट पे मुझसे ज़मीन लिए हो वो रेंट वेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, हम वहाँ जैसा चाहे वो ज़मीन करा सकते, जो भी चाहे खेती करा सकते हैं, जो एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट को ख़त्म कीजिए, जो निज में आप मुझे रेंट पे देते हैं उस रेंट को ख़त्म कीजिए, किसी भी कीमत पे कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई रेंट नहीं। तो याद रखना ब्लू रेवोल्यूशन में कोई एक पॉइंट लेके नहीं पढ़ रहे हम, दोनों यानी निज कल्टीवेशन से लेके क्यों नाराज़गी है और रैयती से लेके क्यों नाराज़गी है, इन दोनों पॉइंट्स को हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसमें वही है जो आप रेंट पे, निज वाले में क्या था, रेंट भी था, तो मुझे रेंट नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़मीन चाहिए, मैं ज़मीन आपको नहीं दूंगा। रेती में क्या है भैया, कोई एग्रीमेंट नहीं, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं, आपने केवल मुझे चीट किया है। अगर एग्रीमेंट किए भी हैं तो समय के आधार पर, जैसे आपके इंडिगो का प्राइस बढ़ रहा है उस प्रकार से हम लोग का वेजेस बढ़ना चाहिए, हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, तब एग्रीमेंट ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। जब ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको रेंट पे मैं लिया हूँ तो आपको करना ही है खेती, एग्रीमेंट किए हो, जितने पे एग्रीमेंट हुआ है उतने पे होगा ही होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आया। जब ब्रिटिशर्स यानी प्लांटर्स ने ये जवाब दिया तो इन रैयतों ने मिलकर क्या किया, उनकी जितनी भी इंडिगो फैक्ट्री थी उस पर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया, कैसे, स्वाड और स्पेयर से, बोज एंड एरो, तीर और धनुष और तीर से, उसके पास था ही क्या, यही सारे आर्म्स थे, यही धनुष तीर था हुआ, तलवार हुआ, यही सब आर्म्स थे और कोई आर्म्स था नहीं, तो वो उसी से लड़ाई करना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन वही है, आप लड़ाई करना तो जरूर शुरू किए, लेकिन ये सोचना चाहिए सामने ब्रिटिशर्स से, वो तो बंदूक वाले हैं, लेकिन देखते हैं फिलहाल रिजल्ट क्या आता है। लड़ाई करना शुरू कर दिया, ओमेज टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, उन्होंने क्या किया, पॉट से, पैन से और किचन जो इम्प्लीमेंट है उससे ओमेज ने लड़ाई शुरू कर दिया। पता चले अपने पॉट्स बर्तनों को उठा लाई, किचन के सामानों को उठा लाई, जो चम्मच वगैरह होता होगा,
उन सबको लेके चली आई और उन्होंने कहा भैया अब हम इंडिगो का ना कल्टीवेशन करेंगे ना उनका प्रोडक्शन करेंगे, यानी मेंस के साथ वोमेंस ने भी इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। कब शुरू हुआ? 1859 में। कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल से शुरू हुआ। क्लियर? दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वे आर सोशली बायकॉटेड एंड द गैमेथस अर्जेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वे आर बीटन अप। क्लियर? जितने भी प्लांटर्स से जितने भी जो उनका रिलेटेड थे या ब्रिटिशर्स से जो रिलेटेड इंसान था उन सबसे ब्रिटिशर्स ने क्या रैयतों ने क्या किया? उन सबसे किनारा कर लिया, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखा। क्लियर? बाई चांस ब्रिटिशर्स का समय आ गया, ब्रिटिशर्स ने कहा जाइए भैया रेंट लेके आओ, प्लांटर्स ने कहा जाओ भैया रेंट लेकर आओ, और जब वो इंसान रेंट देने आया और उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगने आया तो इन सब ने मिलकर क्या किया? उसको बीट्स, उनको पीट दिया, बीटन अप, उनको पीट दिया कि भैया जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रेंट नहीं चाहिए, मैं रेंट नहीं लूँगा, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, आप दोनों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उस मिलकर उस इंसान को पीट दिया। रैयत सॉ दे कुड बी लॉन्गर टेक एडवांसेज टू सो इंडिगो नॉट बी बिल्डेड बाई द पार्टनर लेथियास द लाठी वेडिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाई द प्लांटर्स। ठीक, अब प्लांटर्स ने क्या किया? ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी रैयत अब मारने पीटने पे उतारू हो गए हैं, तो इन प्लांटर्स ने क्या किया? जो लाठी नहीं उसको लथियल्स बोलते हैं, लथियल्स जो लाठी चलाते हैं खूब ज़्यादा, उनको क्या किया? हायर करना शुरू कर दिया कि भैया तुम लाठी चलाने वाले हो, आओ तुम मेरे एक तरह के बॉडीगार्ड हो, हमें बचाना उन रैयतों से, वो रैयत पता नहीं कब हम पर अटैक कर देंगे, यानी तुम्हारा काम है हमें रैयतों से किसी ना किसी रूप में बचाना। क्लियर है? तो उन्होंने लाठी वालों को रखना शुरू कर दिया। ये बात कहा जाता है इनको भी पता चली, रैयतों को भी, लेकिन ना रैयत झुकने वाले थे ना ही प्लांटर्स यानी ब्रिटिशर्स झुकने वाले थे। आगे देखते हैं। व्हाइल द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, दोनों तरफ से साइलेंट नहीं हुआ जा सकता था, ना ही रैयत साइलेंट होकर बैठ सकते थे ना ही ब्रिटिशर्स। क्या? क्योंकि दोनों का नुकसान है, रैयत अगर कोई और खेती करेंगे तो ब्रिटिशर्स अगेंस्ट में हो जाएंगे, और ब्रिटिशर्स अगर कुछ करेंगे तो रैयत अगेंस्ट में हो जाएंगे, यानी दोनों में कन्फ्लिक्ट तो ज़्यादा है, लेकिन अब वो दोनों साइलेंट है, लेकिन वो साइलेंट कब तक रहेगा? कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। वाट गेव देम द पावर टू रिबेल? Clearly, the Indigo system was intensely oppressive, but those who are opposed do not always rise up for revolution. They do to only at times. Clear? जो लोग इस revolution के supporter थे, उन्होंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए हम Indigo का production नहीं करेंगे। अगर आप अपने बात से पीछे हटते हैं या अपने कदम को पीछे करते हैं तो निश्चित तौर पे वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बोनस हो जाएगा। ब्रिटिशर्स चाहता तो यही है, ब्रिटिशर्स चाहता ही है आप झुक जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे तो नहीं, और नहीं झुकने का मतलब है अगर ब्रिटिशर्स हमारे साथ एक्शन लेते हैं फोर्सली तो हम भी उसका जवाब देंगे, उसका रिजल्ट चाहे जो आए, चाहे हम हारे या जीते, लेकिन ब्रिटिशर्स का जवाब तो हम ज़रूर देंगे। तो स्टार्टिंग के दो पैरा में यही है। 1859 में बंगाल में एक प्रकार का रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया है। रेवोल्यूशन करने वाले रैयत हैं जिनकी दो डिमांड है, या तो आप रेंट ख़त्म करिए भाई, हमें मनमाफी काम करने दीजिए, मेरी ज़मीन को छोड़िए, या रेट आप इंटरेस्ट को बढ़ाइए और जो ये आप लोन फटाफट देते हैं ना, इस लोन के बीच में गैप रखिए। क्लियर? तो ये दो पैरा में वही दोनों पॉइंट है, दोनों साइलेंट मोड में है। देखते हैं ये साइलेंट कब टूटता है और क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी इन 1859 से डिस्कस करूंगा मैं आपको कल वाले वीडियो में ये दोनों पॉइंट। स्कूल में मैं वीडियो बना नहीं पाया इसलिए घर पे आपका वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ने के लिए अपनी बुक को ओपन कीजिए, बाकी डायरी में मैं नोट्स बना ही रहा हूँ, उस नोट्स को चाहे तो आप लिख भी लीजिए, नहीं तो अगर समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद जो कल मैं आपका लेक्चर लूँगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा, और लास्ट लेक्चर के बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊँगा, तो उसको मैं खुद दे दूँगा, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर मैं खुद दे दूँगा। तो यानी अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, दस नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो आपको फेयर पे ही करना होगा, तो आप उसको फेयर पे ही करिएगा। क्लियर? बाकी आपने समझ ही लिया, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, राइट शॉर्ट शॉर्ट नोट भी बनता है, क्वेश्चंस भी बनता है, कभी डिफरेंस पूछता है, तो वो सारा पॉइंट आप उन तीनों डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो ब्लू रेवोल्यूशन तो मैंने दो पॉइंट पढ़ा दिया कि 1859 में क्या हुआ, लेकिन उसके आगे क्या हुआ, क्या विलेजर्स झुके हैं या फिर
प्लांटर्स यानी ब्रिटिशर्स झुकेंगे, कौन झुकेगा, क्या रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन ने किस में कौन पार्टिसिपेट किया, उस रेवोल्यूशन का मतलब आगे क्या निकल पाया, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना याद रखिए, ये रेवोल्यूशन हुआ है बंगाल के एक रीजन में और धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन पूरे बंगाल में फैलेगा। बंगाल ही नहीं, कुछ अदर स्टेट में भी फैला है, लेकिन बंगाल में इस रेवोल्यूशन का असर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी जो रेवोल्यूशन हो रहा है ये केवल बंगाल में हो रहा है, आप यही मान के अभी चलिए। क्लियर, आगे डिस्कस करूंगा कि सफल रहा कि नहीं, और सफल रहा तो उसके बाद क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल हम डिस्कस करेंगे इन 1859 से। कल लास्ट लेक्चर है, 1859 आपका फिनिश कर दूंगा, बस इंडिया मेकिंग वेस्टर्न ये बता दूंगा, खत्म हो जाएगा कल आपका चैप्टर। तो होमवर्क आपके पास सेंड कर दे रहा हूँ, आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।